बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर ना होगी, सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार, हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शोर, बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। यूपी के चुनावी समर में आज चर्चा के दो केंद्र थे। एक तरफ पश्चिमी यूपी के जेवर में प्रधानमंत्री मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रख रहे थे, तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के रैली में शिरकत कर रहे थे। सियासी वार पलटवार के आज के ये दो ऐसे सेंटर थे जिस पर लोगों की नजरें सुबह से टिकी रही। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी ने किसानों से खुलकर अपने दिल की बात कही। उन्होंने विकास का बड़ा रोड मैप सामने रखा और पश्चिमी यूपी के कायापलट का वादा दोहराया। पीएम ने जेवर के मंच से जो कुछ कहा उससे विरोधियों के लिए कई बातें बेहद चुभने वाली थी। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ जिसका वो हमेशा से हकदार रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा डबल इंजन की सरकार की वजह से मुमकिन हो पाया है। इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का इंजन ही फेल हो गया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनाक्रोश ने जिनका जहाज जमीन पर उतार दिया है, जिनकी उड़ान ही रद्द कर दी है, अब वो उस जहाज में चाहे कितने इंजन होने का दावा करें ये सब व्यर्थ है। अब इसमें आप चुनावी मैदान में है, सियासी आर पार की तपिश का एहसास कर सकते हैं। इन सब के बीच जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या चुभ रहा है, आज मैं इसके हर पहलू का विश्लेषण करने वाला हूं। इसके साथ ही आपको सपा और रालोद में सीटों की साझेदारी का अपडेट भी दूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बात तो चुभेगी। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर इस बार का महासंग्राम बेहद दिलचस्प है। एक एक सीट पर जबरदस्त भिड़ंत है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जिस जेवर में पीएम मोदी ने आज सभा की, उस सीट पर भाजपा का ही कब्जा है। पार्टी का दावा है कि वो इस बार भी जेवर सहित पूरे पश्चिमी यूपी में अपनी विजय पताका लहराएगी। पिछली बार भाजपा ने पश्चिमी यूपी में 136 में से 109 सीटें हासिल की थी। अब आज से यहां की रणभूमि में पीएम मोदी ने दस्तक दे दी है जिसने माहौल को गर्मा दिया है। सपा को पीएम मोदी की बातें आज इतनी चुभी कि उन्होंने पलटवार में देर नहीं। पसंद रखते ही एक नए युग का स्वागत है, जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा सपने दिखाए वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय चौहान, माननीय अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी की विकास गर्जना, भारत माता की। राज्य की सरकारों ने
जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। एयरपोर्ट का भूमि पूजन, विरोधियों पर तीखा आक्रमण। आपों की नई उड़ान, उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। अभी मैं पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर सबकी केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। जेवर में पीएम मोदी, लखनऊ में अखिलेश। चुनावी रनवे पर एक्सप्रेस रेस। आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। ये शिलान्यास हो रहा है इसलिए कल ये एयरपोर्ट इनको बेचना है। जिस देश में चीजें बिकने लगे, सरकारी संस्थाएं बिकने लगे, अगर सरकारी चीजें बिक जाएंगी तो बताओ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में क्या होगा। तूफानी तकरार, विकास पर आर पार। आज जब कोई साथी खुश होकर कहता है कि अपने घर के पास के हवाई अड्डे से उसने अपने माता पिता के साथ पहली बार हवाई यात्रा की है, जब वो अपनी फोटो को साझा करता है, तब मुझे लगता है कि हमारे प्रयास सफल है। एक तरफ को हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे। मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं। पश्चिम विजय की हवाई उड़ान, 2022 का फाइटर प्लान। बात तो चुभेगी। भाजपा नेताओं के चेहरे पर आज सुकून देखने को मिला। इसके वजह प्रधानमंत्री मोदी की सभा में जेवर में उमड़ी बड़ी भीड़ थी। इससे पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से पूरे पश्चिमी यूपी तक अपना चुनावी संदेश पहुंचाया वो भी देखने लायक था। उन्होंने इतिहास की बात की, मौजूदा दौर की बात की और फिर भविष्य के कायापलट का ऐसा रोडमैप सामने रखा जिसने उम्मीदों की उड़ान में और तेजी ला दी। देश के लोगों को उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। मोदी, मोदी, डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। जिला एवं बघेल एलिवेटेड रोड 1067 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ।
जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाया तो मैदान में उमड़ी भीड़ का जोश दूना हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जेवर में बनने जा रहा ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। एक तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। अब जरा सुनिए कि पीएम मोदी ने अपने 30 मिनट के संबोधन में किस तरह पश्चिमी यूपी के हर हिस्से तक अपना संदेश पहुंचाया। देखिए कि प्रधानमंत्री ने कितने जिलों की चर्चा की। यहाँ अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, ऐसे अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम विकास पर सियासत नहीं करते, ये हमारी राष्ट्र नीति का हिस्सा है, इसलिए प्रोजेक्ट की सारी तैयारियां पूरी करने के बाद ही भूमि पूजन किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों पर जिया तो प्रधानमंत्री ने आपने देखा कि किस तरह से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर विपक्ष पर भी निशाना साधा और किस तरह से एक विकास के रोड मैप की बात की। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। इससे पहले कि हम आपके पास आए अभिज्ञान, हम दर्शकों को कुछ अहम जानकारियां बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पश्चिम ललकार के चुनावी समीकरण को समझने के लिए पीएम के भाषण के कुछ हिस्सों पर गौर करना जरूरी है। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में ही कुल 10 जिलों का खास तौर पर जिक्र किया। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए एक एक करके पीएम मोदी का पश्चिम संदेश, 30 मिनट का भाषण, पश्चिम यूपी के 10 जिलों का जिक्र इस भाषण में किया। सबसे पहले खुर्जा का जिक्र, बुलंदशहर में ही है खुर्जा। खुर्जा सिरेमिक उद्योग के लिए जाना जाता है, 14वीं सदी से ही सिरेमिक उद्योग का केंद्र है खुर्जा। यहां के चीनी मिट्टी के बर्तन, फूलदान दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। सजावटी सामान, फ्यूज, सर्किट, इंसुलेशन भी बनते हैं। खुर्जा के लाखों लोग इस उद्योग पर निर्भर करते हैं। दुनिया भर में निर्यात की पीएम मोदी ने जगाई उम्मीद। पीएम ने मेरठ के खेल उद्योग का जिक्र किया, सहारनपुर के फर्नीचर, मुरादाबाद के पीतल उद्योग की चर्चा की, आगरा के फुटवेयर और पेठा उद्योग का जिक्र किया, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, बरेली की चर्चा की। ये सभी जिले पारंपरिक उद्योगों का केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के जरिए उम्मीदों की नई उड़ान दे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किसानों के लिए फायदे से बार बार जोड़ा। उन्होंने किसानों को इससे होने वाले फायदे गिनाए। वो किस तरह से गिनाए जब मैं ये आपको बताता हूं। पारदर्शिता के साथ जमीन अधिग्रहण का दावा किया, किसानों का हित सबसे ऊपर रखा। प्रधानमंत्री ने बात कही, अटकाने, लटकाने और भटकाने के हालात बदले हैं। फल, सब्जी, मछली के निर्यात के फायदे गिनाए। बंदरगाह किनारे के शहरों और गांवों के विकास का हवाला दिया। एयरपोर्ट से परिवर्तन का बड़ा चक्र चलने की बात कही। एयर कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के कायाकल्प का यकीन दिलाया और पश्चिमी यूपी के किसानों का भरोसा जीतने की पहल की। उत्तर प्रदेश में करीब 50% सीटें किसान बहुल है, करीब 200 सीटों पर किसान वोटर निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो यह स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। और अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, इस
इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए जिसका आज भूमि पूजन हुआ या शिलान्यास कहे हम हुआ है, इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े विकास के रोड मैप का विजन दिखाने की कोशिश की और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की है, क्या कहना आप? देखिए, दो पॉइंट थोड़ा समझना यहां पर बहुत जरूरी है। जब नरेंद्र मोदी होंगे, और क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, और मैं 50 बार पहले कह चुका हूँ, बल्कि 50,000 बार पहले कह चुका हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में तीनों बड़ी जीत है उसके उसका सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं 2014, 17 और 19 में। कोई भी बड़ा विकास का प्रोजेक्ट होगा, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, ये सब पर जो प्रेजेंस होगी, जो मोहर होगी विकास की बात करने वाली, वो होगी प्राइम मिनिस्टर की खुद। और इसके पीछे एक वजह है, वजह ये है क्योंकि वो इस वक्त देश के सबसे बड़े नेता है और देश के प्राइम मिनिस्टर है। तो आप बीजेपी चाहेगी कि जब वो विकास की बात करे तो वो नरेंद्र मोदी का ड्रॉ जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। बाकी उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है, किस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, क्या भाषा बोली जाती है, वो दूसरों का काम है। अब्बा जान, जिन्ना, ये दूसरों का काम है, ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल का की बात ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर चूंकि ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उनके स्तर की बात है। जब विकास के प्रोजेक्ट्स हो और उस विकास के प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के जरिए उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की वापस भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां पर पहले ही आप हम सब जानते हैं कि पिछले इलेक्शंस में बीजेपी के परफॉर्मेंस जो है, बीजेपी की चुनावी परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी रही है। तो मेरा सीधा सा कहना है कि जहां पर विकास की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, सड़क की बात होगी, एयरपोर्ट की बात होगी, वहां पर सिलेक्टिवली मौका देखते हुए और अपनी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए वहां पर प्राइम मिनिस्टर आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर वो मैसेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के थ्रू जाएगा। क्योंकि अब जैसे ये जो है, जो एयरपोर्ट बन रहा है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स का ये हब बनेगा। एक छोटा सा मिसाल आपको देना चाहूँगा, अटलांटा का जो एयरपोर्ट है अमेरिका में, वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में दुनिया के गिना जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा काम होता है लॉजिस्टिक्स का। तो इस तरह की चीज़ों से आइडेंटिफाई किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसके टॉप मोस्ट लीडर जो है वो नरेंद्र मोदी है और वो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो विकास की थीम पर चेहरा नरेंद्र मोदी का सबसे प्रोमिनेंट होगा। जी बिल्कुल, अभिज्ञान जी आप हमारे साथ बने रहिए। और अब एक बार फिर हम आपको जेवर में बनने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हर खास बात बताते देते हैं। सरकार की तरफ से जारी रोड मैप को समझा दें आपको, जिससे आप पश्चिमी यूपी के विकास वाले इस बड़े दांव को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जी हां, पश्चिमी यूपी की हवाई उड़ान, देखिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, बात कही गई, और मल्टी मॉडल सीमलेस कनेक्टिविटी, मतलब हर इलाके से पहुंच, देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट, और 5,800 हेक्टेयर में फैला होगा, 5 रनवे लेन होंगे, स्टेज 1 में 2 रनवे बनेंगे, स्टेज 2 में 2 रनवे बनेंगे, फिर 5वां रनवे बनेगा। सितंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के लोगों का हवाई सफर आसान होगा, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद के लोगों का भी हवाई सफर आसान होगा। कार्गो हब के रूप में विकसित होगा यह एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी का भी प्रोजेक्ट होगा, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी भी बन रही है। आसपास फसल मंडियां विकसित होंगी, सीधी कनेक्टिविटी होगी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड पास में होगा। हर साल 1.25 करोड़ यात्रियों के सफर का लक्ष्य है और 1,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये भी दावा किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में राजनीति की जगह राष्ट्रनीति पर जोर दिया। पश्चिमी यूपी के आम लोगों से, जिनमें ज्यादातर किसान है, पीएम ने बार बार कहा कि यूपी के विकास का मतलब देश का विकास है, इसलिए उन्होंने जिन शब्दों और वाक्यों का सबसे ज्यादा जोर दिया, अब उन पर गौर कीजिए।
देखिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। आजादी के बाद पहली बार यूपी को अपना हक मिला है, यूपी की छवि ठीक की, अब ताने नहीं मिलते, जात पात, गरीबी, घोटाले, खराब सड़कों का दौर बीता, अपराधी माफिया गठजोड़ के दिन लदे, अभाव का अंधकार खत्म हुआ, अंतरराष्ट्रीय छाप छोड़ रहा उत्तर प्रदेश, एयर कनेक्टिविटी, पर्यटन का विकास, अब झूठे सपने नहीं, निवेश का सेंटर बना है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर के बाद अयोध्या और नोएडा का नंबर, विकास के नाम पर बहानेबाजी नहीं करते, राष्ट्र प्रथम की भावना सबसे ऊपर है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। पीएम ने अक्टूबर में यूपी की सियासी रणभूमि में ताबड़तोड़ शुरुआत के बाद अब तक जिन विकास योजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश को दी उसका भी उन्होंने इस मंच से जिक्र किया, यानी भले वो पश्चिम यूपी में थे लेकिन नजर पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और अवध के लोगों पर थी। किन किन सौगातों का खास जिक्र किया अब मैं आपको वो भी बता देता हूं। जी हाँ, बड़ी सौगातों का जिक्र, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, महोबा में डैम प्रोजेक्ट, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर, ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री। बिल्कुल अभिज्ञान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, आज के अगर हम प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुने, आज के इस पूरे भाषण में उन्होंने सिर्फ अगर एक तो विकास के रोडमैप की बात की और ये बार बार कोशिश की कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश का हक नहीं दिया, और बड़े सारे जिलों के नाम लेकर ये बताने की कोशिश की कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये वेस्टर्न यूपी के लिए है, और खास तौर पर उन्होंने यही जिक्र किया बार बार, नाम किसी का नहीं लिया लेकिन कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं कहा, और फिर से जिक्र किया डबल इंजन की सरकार का, और सपा सरकार को भी कोसा कि कैसे जब पिछली बार केंद्र इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहता था तो प्रदेश सरकार ने मना कर दिया, इसका भी जिक्र उन्होंने किया, इसके क्या मायने निकाले जाए? ये इसका सीधा मायना यह है कि जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जब विकास की बात होगी तो वो उसका चेहरा होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसका सीधा मायना यह है कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए विकास जो है वो हमने किया, बाकी लोगों ने नहीं किया, तो ये वो उस बात पर इशारा कर रहे हैं बार बार। हालांकि बीजेपी की सरकारें पहले भी रही उत्तर प्रदेश में, तो ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश को आप टोटैलिटी में देखें, बहुत लंबा समय सफर अभी उत्तर प्रदेश को तय करना बाकी है, बाकी देशों के कई सारे राज्य जो है वो उससे ज्यादा विकसित है, उत्तर प्रदेश सबसे ताकतवर पॉलिटिशियंस का प्रदेश रहा है, बहुत सारी बातें, मैं इस पर एक किताब पर मैंने काम किया है, तो बहुत सारे पहलू हैं। खाली ये कह देना कि नहीं नहीं बाकी सरकारों ने ये किया और ये सरकार सब कुछ कर रही है, ये घोषणा, ये घोषणा, ये घोषणा, वो घोषणा, पॉइंट क्लियर है कि ठीक है आप हमको वापस वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, लेकिन साथ में एक भाषा अब्बा जान की भी तो बोली जाएगी ना, तो ये सब साथ में होता रहेगा, ये वोट लेने के लिए। इम्पोर्टेंट क्या मैंने कहा आपसे कि इम्पोर्टेंट है कि जब विकास की बात होगी तो उसका आइडेंटिफाइबल चेहरा, उसका पहचाने जाने वाला चेहरा वो नरेंद्र मोदी होंगे, और वो सही है इसलिए क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन उत्तर प्रदेश को भी बहुत सारे मसलों में बहुत लंबा रास्ता, उस दिन आप एक आंकड़ा दिखा रहे थे, आप बड़े सरल तरीके से अपने ग्राफिक्स में आंकड़े देते हैं और मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। उस दिन आपने एक्सप्रेस वे वाले प्रोग्राम में जब हम और आप थे तो आपने एक सरल सी बात बताई कि एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सब उसके क्रेडिट के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नेशनल हाईवे एवरेज पर यूपी 14th नंबर पर है, 14वें नंबर पर है, ये आपने बताया रोहित, याद है आपको, आपने अपने प्रोग्राम में दिखाया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी बहुत बहुत बड़ा रास्ता उत्तर प्रदेश को तय करना है, ये अभी तो मतलब ये खाली शुरुआती बातें हैं। अगर विकास सेंट्रल फिगर बने, केंद्र बिंदु बने किसी चुनाव को तय होने का, तो मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर पर मैं वहां का रहने वाला हूं, अगर विकास ही केंद्र बिंदु बने किसी चुनाव के जीतने या हारने को तय करने का, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती उत्तर प्रदेश के लिए। जी बिल्कुल अभिज्ञान, आप बार बार ये बात कहते आए हैं अपने इस शो में, हमारे शो में, कि आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर विकास चुनाव का मुद्दा बने, आप बार बार ये बात कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपको ये एहसास शायद ही हो, ये अच्छा अच्छा लगने वाला एहसास शायद ही हो, क्योंकि हमारे प्रदेश की सियासत की हकीकत है
कि मुद्दे जब आते हैं तो फिर वही अब्बा जान, चचा जान, भाई जान, इनकी एंट्री हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की गर्जना आपने सुन ली, इसके हर विश्लेषण को समझ लिया। अब बात समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के शक्ति प्रदर्शन की। लखनऊ में जनवादी पार्टी एस ने आज अपनी ताकत दिखाई। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान ने इसके लिए खास तौर पर अखिलेश यादव को न्योता दिया। अखिलेश ने मंच पर आते ही भाजपा पर हमलों की बौछार कर दी। अखिलेश यादव के बयानों की धुआंधार बैटिंग देखी। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। हर चीज महंगी हो जाती है, आप महंगाई को रोक नहीं सकते। तीन कानून इसलिए वापस लिए हैं क्योंकि सरकार घबरा गई। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में ये अखिलेश की चुनावी हुंकार है। जिस समाज से सम्राट पृथ्वीराज चौहान निकले हो, उस समाज को पीछे छोड़ दिया हो, वो समाज की कोई गिनती ना हो, इसलिए जहां आपका खोया हुआ सम्मान है, जो खोया हुआ गौरव है, उसको दिलाने का काम हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े होकर के आपका हक, भागीदारी और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। मंच सपा के सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का है। रैली का नाम है जनवादी जन क्रांति महारैली और नारा है भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ। अब तक सपा के छोटे सहयोगी दलों ने अपने अपने मजबूत जनाधार वाले इलाकों में रैलियां की थी, लेकिन इस बार जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने लखनऊ में जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की और इसमें अखिलेश यादव जमकर गरजे। और आप लोग मन मना लोगे अगर, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। इतनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी ने कभी देखी नहीं होगी। जितनी चौहान समाज के लोग अगर आगे आ जाएंगे तो उन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने का काम करेंगे। नीले और सफेद झंडों से पटे इस मैदान में अखिलेश ने फिर रंगों वाला दांव चल दिया। उसी कड़ी में हमने आप लोगों को भी जोड़ने का काम किया है। ओमप्रकाश राजभर जी को भी साथ ले आए, महान दल को भी साथ ले आए, कृष्णा पटेल जी का भी दल साथ ले आए और आप लोग भी साथ हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। रैली के मंच से अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का बड़ा दांव चला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार इसलिए इस पर फैसला नहीं करती क्योंकि अगर अति पिछड़ों और दलितों की असली तादाद सामने आ गई तो उसे हक की लड़ाई तेज होने का डर सता रहा है। अखिलेश ने तीनों कृषि कानूनों का मुद्दा भी उठाया। अभी तो तीन कानून वापस लिए इन्होंने, तीन कानून इसलिए वापस लिए हैं कि इस बार किसान उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे, किसान उनका जवाब दे देंगे वोट से, इसीलिए तीनों कानून वापस हो गए हैं। अखिलेश के भाजपा पर इस चुभने वाले हमले ने जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा दिया। मंच से पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान की जमकर बरसे। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके नेता और आपके पार्टी को, आपके संगठन को पूरी मुस्तैदी से कमजोर करने का काम किया था और जनवादी पार्टी में एक बड़ी बगावत करके आपके संगठन को कमजोर करने का काम किया था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल में मजबूत आधार रखने वाली जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को गठबंधन के तहत कितनी सीटें देते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। अखिलेश यादव एक के बाद एक अपने सहयोगी दलों की रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके जरिए वो अपने संगठन की साझी ताकत भी दिखा रहे हैं। इस दांव के अंदर की बात को अब जरा समझिए। एक नए दौर का नया दांव, सहयोगी दलों को संदेश, हर तरह से साथ खड़ा हुआ अखिलेश यादव बार बार ये संदेश दे रहे हैं। बड़ी रैली का भरोसा जगाकर आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं।
सपा के रणनीतिकार कर रहे हैं सहयोगियों की पूरी मदद, टारगेट वोट बैंक को संदेश, ये गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, टुकड़ों की ताकत को जोड़कर मजबूत गठर बनाने में जुटे हैं अखिलेश यादव। और मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव इस बार 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 जो अपने तमाम जो सहयोगी दल हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ मंचों पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं उसका मतलब क्या है। दरअसल इससे पहले बसपा के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चुनावों से पहले गठबंधन किए, और उस गठबंधन की सफलता इसलिए नहीं हुई क्योंकि जमीन पर सपा और गठबंधन के सहयोगी दलों की केमिस्ट्री नहीं बन पाई। इसीलिए अखिलेश यादव बार बार अब इन तमाम पार्टियों के मंचों पर जा रहे हैं, वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। छोटे छोटे सहयोगी दलों के पावर सेंटर में पहुंचकर अखिलेश खुद उनकी ताकत भी नाप रहे हैं, साथ ही इस शक्ति को बढ़ाने में भी जुटे हैं। इसलिए हर दिन सियासी हलचल पैदा करने की रणनीति है, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है अब ये भी जानिए। अलग अलग इलाकों में शक्ति प्रदर्शन की रणनीति है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अखिलेश के शक्ति प्रदर्शन में राजभर और संजय चौहान साथ थे। अति पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक के दम पर किलेबंदी की कोशिश है, सपा के समर्थन में मजबूत सपोर्ट बेस तैयार कर रहे हैं, सहयोगियों की रणनीति का भी माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है, साझेदारी के दम पर कामयाबी के बड़े नतीजे लाना ही मकसद है। अखिलेश यादव इस वक्त विरोधियों पर पलटवार की टाइमिंग पर सबसे ज्यादा फोकस रख रहे हैं, शायद यही वजह है कि आज जब पीएम मोदी की जेवर में सभा चल रही थी तो करीब करीब इसी वक्त अखिलेश यादव भी लखनऊ में गरज रहे थे। अब इस दांव को भी जरा गौर से समझिए, अखिलेश की चुनावी टाइमिंग या टाइम मशीन क्या है ये देखिए। भाजपा के बड़े दांव की काट तलाशने की हर हद तक जाना, चुनावी चर्चा के केंद्र में बने रहने के लिए पूरा जोर लगाना, विपक्ष के बड़े कार्यक्रमों पर पैनी नजर रखना, जवाब में सपा या सहयोगी दलों का कार्यक्रम भी तय, और विरोधियों के हर आक्रमण के फौरन जवाब की रणनीति अखिलेश यादव की, और हर आरोप का आक्रामक पलटवार। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से मैं उनका रुख करूंगा। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? अखिलेश यादव देखिए एक एक कर, इससे पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ वो गए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, उनके साथ शक्ति प्रदर्शन किया, आज संजय चौहान जिनकी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी है उसका एक कार्यक्रम था उसके मंच पर गए, तो अखिलेश यादव अपनी तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके मंच पर उनके कार्यक्रम में जाते हैं, ये सपा का कार्यक्रम है उनके कार्यक्रम में जाते हैं, तो क्या माना जाए कि ये उन जो सहयोगी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाने की कोशिश है, वो लिंक बनाने की कोशिश है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, वो लिंक बनाने की कोशिश है, क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा जो है उसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है, और अखिलेश यादव के लिए बड़ी अलायंसेस कभी नहीं क्लिक की है, यानी कि कांग्रेस के साथ नहीं क्लिक की, बहुजन समाज पार्टी के साथ क्लिक नहीं की। हम और आप इस पर बारीकी से पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से छोटी अलायंसेस को लेकर आए अमित शाह, और ये बहुत बड़ा काम किया था अमित शाह ने, जहाँ से बीजेपी का जबरदस्त उठान हुआ, उसके बाद से उस प्रयोग को इस बार अखिलेश यादव अपने हक में करना चाहते हैं। उनको पता है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ रहे हैं, वो बीजेपी से नाराज हैं, जैसे वो लगातार राजभर का इस्तेमाल कर रहे हैं, माफ करिएगा इस्तेमाल थोड़ा कड़वा शब्द है लेकिन राजनीति में ऐसा होता है, तो वो राजभर जी को साथ रख रहे हैं अपने, वो बीजेपी के साथ रह चुके हैं, तो वो टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिनकी एक किस्म की नेचुरल स्वाभाविक नाराजगी है बीजेपी के साथ, और उनके कार्यक्रमों के मंच पर जाकर अखिलेश ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वाकई आपके साथ हैं, सिंबॉलिकली हमें आपका साथ नहीं चाहिए, हम सच में आपके साथ एक जमीनी स्तर पर जोड़ना चाहते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बीजेपी के ही फॉर्मूले को अपनी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है इस बार, और बड़ी अलायंसेस अखिलेश यादव के लिए क्लिक नहीं की है पहले। जी तो बिल्कुल, और इसीलिए ये प्रयोग कर रहे हैं जिस तरह से अभिज्ञान भी बता रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, इस बार भी पश्चिमी यूपी में बड़ी जीत की बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन इस इलाके में अखिलेश ने ऐसा दांव चला जो भाजपा को सबसे ज्यादा चुभ रहा होगा। अखिलेश और जयंत बहुत जल्द एक मंच पर नजर आने वाले हैं, सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन लगभग लगभग फाइनल है,
कुछ जिलों में अखिलेश बड़े भाई की भूमिका में दिखने वाले हैं तो कुछ जिलों में जयंत चौधरी बड़े भाई की भूमिका में दिखेंगे। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें हैं और दोनों दलों ने मिलकर इन्हीं 136 सीटों पर विजय पताका फहराने का बिगुल फूंक दिया है। पश्चिमी यूपी में भाजपा को चुनौती देने के लिए अखिलेश ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। ये दांव है जयंत चौधरी की रालोद के साथ सपा का गठबंधन। दोनों ही दलों के दिल तो पहले से ही मिले हुए थे, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी था। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों दलों के बीच 90% सहमति बन चुकी है। खबर है कि अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी की 36 सीटें रालोद को देने पर राजी हो गए हैं, लेकिन जयंत चौधरी 40 सीटों का गुणा भाग लगा कर बैठे हैं। जयंत जिन 40 सीटों की मांग कर रहे हैं उनमें आगरा की भी 4 सीटें शामिल हैं। बहुत सारी ऐसी सीटों पर जहां हमारा वर्चस्व है उनकी मांग रखी गई है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि दोनों ही नेता हमारे युवा हैं, उनमें पूरा सामंजस्य है और पूरी मैराथन क्या नाम मीटिंग उनके द्वारा जो की गई है उसके अंदर कहीं पर भी किसी ऐसे मुद्दे पर उनके द्वारा नहीं अड़ा गया है जिसका कोई सत्ताधारी पार्टी कोई फायदा ले। किसान आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी फतेह करने के लिए अखिलेश और जयंत के सामने इससे बड़ा कोई दूसरा सियासी मौका नहीं हो सकता। यही वजह है कि कुछ जिलों में अखिलेश बड़े भाई की भूमिका में दिखेंगे तो कुछ जिलों में जयंत को बड़ा भाई बना लेंगे। निश्चित तौर से मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी दोनों अपने आप में बहुत समझदार परिपक्व राजनीतिक हैं। मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातों पे बिगड़ेगी नहीं बल्कि बहुत जल्दी बात बनने वाली। सूत्र बता रहे हैं कि बागपत के साथ साथ गाजियाबाद शामली मुजफ्फरनगर और आगरा जैसे जिलों में रालोद सपा से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अखिलेश को भी उन सीटों को रालोद को देने पर एतराज नहीं जिन पर रालोद के परंपरागत वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि खबर है कि 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी पेच फंसा हुआ है। 125 से ज्यादा सीटें पश्चिम यूपी में हैं, लेकिन 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। इस गठबंधन की भी परीक्षा होनी है। लोकदल को अपने अस्तित्व को बचाना है, समाजवादी पार्टी को अपना विस्तार करना है और भारतीय जनता पार्टी को जो जमीन खिसक रही है उसको संभालने के लिए पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरना होगा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि गठबंधन के बाद कौन सा किस तरह का नतीजा सामने आने वाला है और चुनाव में जो चुनावी ऊंट है वो किस करवट बैठने वाला है। कुल मिलाकर सपा और रालोद का गठबंधन फाइनल है। 7 दिसंबर को मेरठ में अखिलेश और जयंत की संयुक्त रैली ही होनी है और उस रैली से पहले जिन सीटों पर पेच फंसा है उसका भी समाधान निकाल लिए जाने की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं पुख्ता तौर पर, 7 दिसंबर की जो संयुक्त रैली होगी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, उससे पहले गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। 36 सीटों पर सहमति बन गई है, 4 सीटें और हैं, तो यह माना जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि 40 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिल सकती हैं। और अब मैं आपको वो सीटें भी बता देता हूं जहां से रालोद का चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको पश्चिमी यूपी का सियासी गणित दिखा देते हैं। 2017 में कैसे नतीजे सामने आए थे पहले सबसे पहले आप इसको समझिए। पश्चिमी यूपी में 2017 के नतीजे, कुल सीटें 136, भारतीय जनता पार्टी 109 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी 21, बसपा 3, कांग्रेस 2 और राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर जीत हासिल कर पाया था। राष्ट्रीय लोकदल को सीट देने में अखिलेश यादव ने कंजूसी नहीं की है, इसकी तमाम वजह है। जिन 36 सीटों पर सहमति बन चुकी है और 4 सीटें और भी हैं वो आपको जिले के लिहाज से मैं जल्दी से बता देता हूं। हमारे सूत्रों के लिहाज से एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किन किन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को कौन कौन सी सीटें मिल सकती हैं। जो संभावित सीटें हैं उनकी फहरिस्त मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की कुल 6 सीट है जिसमें से 5 पर रालोद लड़ सकती है। इसमें मुजफ्फरनगर शहर की सीट है जहां 2017 में भाजपा जीती थी। पुरकाजी सीट पर भी रालोद लड़ सकती है जहां 2017 में बीजेपी जीती थी। इसी तरह मीरापुर खतौली और बुढ़ाना सीट भी रालोद के खाते में जा रही है। इन सभी सीटों पर भी 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मथुरा की बात कर ले, मथुरा में विधानसभा की 5 सीटें हैं जिसमें से 4 पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ सकती है। इन 4 सीटों में छाता बलदेव गोवर्धन का नाम है।
जहां 2017 में भाजपा जीती थी, वहीं मांड सीट पर भी रालोद के खाते में ये सीट जा सकती है जिस सीट पर 2017 में बसपा जीती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मांड वही सीट है, इसी सीट पर 2012 के चुनाव में खुद जयंत चौधरी भी जीते थे। आगरा की 9 सीटों में से 4 पर रालोद चुनाव लड़ सकती है, इसमें फतेहपुर सिकरी, आगरा ग्रामीण, इत्मादपुर और खेरागढ़ का नाम है। इन सभी 4 सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसके अलावा बागपत रालोद का गढ़ माना जाता है, ऐसे में अखिलेश यहां की 3 सीट राष्ट्रीय लोकदल को देने के लिए तैयार हो गए हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। इसके अलावा बागपत के अलावा बड़ौत और छपरौली पर रालोद लड़ेगी। छपरौली पर 2017 में रालोद जीती थी, जबकि बागपत और बड़ौत पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, इसमें से 2 पर रालोद लड़ सकती है, इसमें देवबंद और रामपुर मनिहारन का नाम है। ये दोनों सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार रालोद यहां पर ताल ठोकेगी। गाजियाबाद में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट पर रालोद का लड़ना तय माना जा रहा है। इसमें मोदी नगर, मुरादनगर और लोनी सीट है, जिन पर 2017 में बीजेपी जीती थी। आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर में विधानसभा की कुल 7 सीटें, इसमें से 2 पर रालोद लड़ना चाह रही है, इसमें बुलंदशहर और अनूपशहर सीट है। इन दोनों ही सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अलीगढ़ की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 7 सीटें हैं, इसमें से 2 पर रालोद लड़ सकती है, खैर और इगलास सीट रालोद के खाते में जा सकती है। दोनों ही सीट पर भाजपा के विधायक हैं इस वक्त। बिजनौर की बात करें तो यहां विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट जयंत चौधरी के खाते में जा रही हैं, इसमें सदर और नहटौर का नाम है। दोनों ही सीटों पर 2017 में भाजपा की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मेरठ की बात करें तो यहां विधानसभा की 7 सीटें हैं, यहां की कैंट और सिवाल खास सीट पर रालोद लड़ सकती है। दोनों ही सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। शामली की बात कर लेते हैं, यहां 3 सीटें हैं, 3 में से 2 पर रालोद लड़ सकती है। शामली और थाना भवन रालोद के खाते में जा रही हैं, दोनों पर 2017 में भाजपा जीती थी। तो ये वो गणित है जो हम आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों के मुताबिक एबीपी गंगा के पास है। और हमारा वादा आपसे है कि चुनाव की हर खबर सबसे पहले सटीक और विश्वसनीय खबर आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हापुड़ की 3 में से 1 सीट पर रालोद लड़ने वाली है। अखिलेश गढ़ सीट को रालोद को देने पर सहमत हो गए हैं, सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अमरोहा में अगर बात करें तो अमरोहा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के कब्जे वाली नौगावा सादात सीट पर रालोद अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि इस पर भी सहमति बन गई है। मुरादाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, यहां भी रालोद को 1 सीट देने पर सहमति बन गई है। कांठ सीट पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगी, यहां भी 2017 में भाजपा जीती थी, सूत्र यही है बता रहे हैं। हाथरस में विधानसभा की 3 सीटें हैं, इसमें से 1 सीट सादाबाद पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगी, ये सीट 2017 में बसपा ने जीती थी। और अगर हम आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध नगर में भी अखिलेश यादव रालोद को 1 सीट देने को तैयार हो गए हैं, यहां की जेवर सीट पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगी, ये सीट भी 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। तो बिल्कुल, अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे इस मसले पर बात करेंगे कि जो गठबंधन है जो अब मूर्त रूप ले रहा है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच 36 सीटों पर सहमति बन गई है, 4 सीटों पर चर्चा जारी है और अगले कुछ दिनों में औपचारिक ऐलान हो जाएगा सीटों का भी और गठबंधन का भी। और उसके बाद 7 तारीख को दोनों की एक संयुक्त रैली भी होगी 7 दिसंबर को मेरठ में। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अभिज्ञान, में आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगा कि अखिलेश और जयंत, इन दोनों की जो केमिस्ट्री दिख रही है और अब सीट शेयरिंग पर लगभग 40 सीटों पर बात बनती हुई दिख रही है, 36 पर सहमति बन गई, वो एक एक सीट भी हमने बताई जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, 4 पर चर्चा जारी है, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि क्योंकि सीट शेयरिंग बड़ा पेचीदा मसला रहता है तो, और इस मसले से अब लगभग पूरा कर चुके हैं, तो अब ये गठबंधन जमीन पर होगा और इसका असर किस तरह से आप देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में? नहीं, असर तो हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि इसको इसमें रोल होगा बड़ा जयंत चौधरी का यहाँ पर। तो जो आपने जानकारी एक्सक्लूसिव दी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ ये अलायंस, जैसे मैंने कहा कि अखिलेश यादव अतीत में बड़ी गठबंधन के साथ क्लिक नहीं कर पाए, ये एक इलाके में प्रभाव रखने वाली एक पुराने परिवार की एक पार्टी के साथ वो अलायंस कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा सीटें
और उम्मीदवार और दोनों आपस में इसका कोऑर्डिनेशन, दोनों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कैसे मनाते हैं, अगर जमीन पर कोई टकराव हो गया या वर्कर साथ नहीं आए, कई बार राजनीति में सब देखा जाता है, तो ये गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर दोनों वाकई बढ़िया समन्वय बनाकर सीटें एक दूसरे की समझ करके कौन कहां जीत रहा है और किसका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए कहां पर, ये कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तो ये वाकई असर डाल सकते हैं। बिल्कुल अभिज्ञान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर होगा इस गठबंधन का। दोबारा यहां आज बात तो चुभेगी, मित्र हैं, इजाजत, नमस्कार।